हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम नाइन्थ क्लास के लिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने नाइन्थ क्लास के लिए 2.1 की एक्सरसाइज की थी, जो हमारा टॉपिक पॉलीनोमियल्स चल रहा है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2। तो आइए बच्चों, 2.2 की जो एक्सरसाइज है वो क्या कहती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3। कहता है कि आपके पास सामने जो पॉलीनोमियल्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कीजिए और x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हमारे सामने पॉलीनोमियल्स लिखा हुआ है, तो हम क्या बच्चे उसको क्या लिख लेंगे, px लिख लेंगे। यानी कि px की जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख लेंगे, आपका दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे p0 लिख लेंगे। p0 इज इक्वल टू 5x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 इंटू 0 माइनस 4, और x का स्केयर है मतलब 0 का स्केयर प्लस 3। तो यहाँ पे p0 की आपने वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और माइनस 4 है, 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 होता है, और 0 की फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0 प्लस 3। तो ये आपको पता है क्या होता है, और p0 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चे, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम x इज इक्वल टू 0 पुट करके हम इस पॉलीनोमियल्स के अंदर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, बी की वैल्यू बी है, उसमें ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है। यानी कि पी एक्स था, उसकी जगह हम पी माइनस 1 निकालेंगे, तो 5x है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 और माइनस 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए, यहाँ पे p इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हो जाएगा माइनस 5। यहाँ पे माइनस 4 है, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 की माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा और प्लस 3। फिर p माइनस 1 की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है आपसे, तो बच्चे ये हो जाएगा माइनस का 9। माइनस 4 और माइनस 5 कितने होते हैं, माइनस 9, और माइनस 9 में प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। तो इस तरीके से पी माइनस 1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सी पॉइंट के अंदर बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पुट करें, तो इस पॉलीनोमियल्स के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। कहता है आपको p0, p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है आपके सामने जो भी पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं। अब जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपके सामने py जो दे रखा है, तो इसमें आपको p0 भी निकालना है, p1 भी निकालना है और p2 भी निकालना है। इसी प्रकार b के अंदर आपको pt जो दे रखा है, इसमें p0 निकालना है, p1 निकालना है और p2 निकालना है। तो आइए किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो a का पॉइंट है, इसमें बच्चों आपको दे रखा है कि py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो आप सबसे पहले तो इसके अंदर आप p0 निकालें कि p0 इज इक्वल टू, p0 का मतलब है y की जगह हमने 0 पुट करनी है, तो यहाँ लिखिए आप 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो आपको पता है बच्चों p0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1। उस पर उसके बाद हम निकालेंगे p1 जो इसने बोला है। इसी पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट जो पॉइंट आप कर रहे हैं, इसके अंदर आप पहले p0 निकालेंगे फिर p1 निकालेंगे, तो p1 का मतलब यहाँ पे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे p1 जो आप निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास p1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो इसी प्रकार फिर इसके अंदर p2 भी बोला है इसने, तो यहाँ p2 निकाल दीजिएगा। p2 इज इक्वल टू यही पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो p2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चे आपके पास, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। p2 की जो वैल्यू है, इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो आपके पास p2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3। इसी प्रकार हम बी पॉइंट करते हैं। बी पॉइंट में प्यारे बच्चों देखिए, इसी प्रकार आपके पास दे रखा है, पहले तो वो लिख दीजिए कि pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। आपको p0 निकालनी है तो यहाँ लिखिए p0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। मतलब जहाँ पे t है वहाँ पे 0 रख देनी है आपको, तो इस तरीके से करिए p
जीरो इज इक्वल टू टू प्लस जीरो प्लस टू की, इधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो माइनस जीरो, तो ये आपका कुछ नहीं रहेगा। तो पी जीरो की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, टू। इस तरीके से दैट इम्प्लाइज लगाते हुए आपको अब पी वन निकालना है। पी वन की वैल्यू यानी कि यहीं पे पुट कीजिएगा, टू प्लस वन प्लस टू इंटू टी स्केयर है तो यानी कि वन का स्केयर माइनस वन क्यूब, तो ये हो जाएगा पी वन की जो वैल्यू है वो बचे आ जाएगी इसको सॉल्व करते हुए, टू प्लस वन प्लस वन का स्केयर वन होता है तो टू और माइनस वन, वन का क्यूब कितना होता है, वन ही होता है। तो पी वन की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पे देखिए टू और वन थ्री और टू फाइव, फाइव में से वन जाएगा तो कितना हो जाएगा, फोर। इसी प्रकार पी वन निकालना है तो आपको पी टू भी निकाल दीजिएगा डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे सॉल्व करो, टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का स्केयर माइनस टू का क्यूब, तो P2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देता हूँ, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 2 का स्केयर 4, 4 टू जा 8 और माइनस में 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, P2 की जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों वो आपके पास आ जाएगी 4। तो इस तरीके से इसने जो वैल्यू पूछी है आपने आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो इस तरीके से आप P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो C का पॉइंट है इसमें भी Px बराबर x क्यूब दे रखा है, तो इसमें भी आप 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये 0, 1 और 2 की पावर 8 यानी कि इसका 8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट के अंदर भी आप ऐसे ही पुट करेंगे, x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, इसमें बच्चे ध्यान रखना है इस संख्या का जो सोल्यूशन आएगा और इसका आएगा उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे डी पॉइंट यहाँ पे मैं आपको करवाने की कोशिश करूँ, थोड़ा डी जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी कि हम पी जीरो निकालते हैं तो ये हो जाएगा बच्चे देखिए एक्स माइनस वन है तो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, तो देखिए जीरो किसी में ऐड नहीं हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती है, तो ये बच्चे माइनस वन हो जाएगा और ये इधर वाला प्लस वन हो जाएगा, तो पी जीरो की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन। इसी प्रकार जब यहाँ पे वन लेंगे तो वन में से वन जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और जीरो को जब वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो, और इसी प्रकार टू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनके जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एज, कहता है कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसमें ये चेक करना है कि जो एक्स की वैल्यू दे रखी है वो इसका जीरोज है या नहीं। अरे बच्चों आपको अच्छे तरीके से बताया था या आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई भी नंबर किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो कब होता है, जब उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करके उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू अगर हम इस px के अंदर पुट कर देते हैं और ये px अगर हमारा जीरो बन जाता है तो ये इसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपका देखिए आपको दे रखा है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इसका जीरोज है या नहीं है। तो हम x की जगह आपको माइनस 1 अपॉन 3 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखिए पी एक्स या यहाँ पे पी एक्स की जगह आप माइनस वन अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आपने जीरो आनी चाहिए यानी कि यहाँ पे तो 3 इंटू में एक्स की जगह माइनस वन अपॉन 3 तो प्लस 1, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स, तो है ये पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0, यानी कि आपके पास पी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आ चुकी है। तो हम कह देंगे कि यस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 3 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इस तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो इसी प्रकार हम बी पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। बी पॉइंट में देखिए बच्चों क्या कहता है, बी पॉइंट में आपके पास है कि पी एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5x-5 और आपके पास x की वैल्यू 4/5 दे रखी है तो पुट कर दो, यानी कि p 4/5 आपको निकालना है, x की जगह आपने पुट करना है तो 5 × 4/5 - π, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो p 4/5 इज इक्वल आ जाएगा 4 - π, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हमारे पास नहीं आई है। तो हम कह देंगे कि नो, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का ये जीरोज नहीं है। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को निकालना है।
इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन है यहाँ पे, तो सी पॉइंट है वो देखिए, सी पॉइंट आपके पास दो है तो इसने आपको दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपके पास पहले एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है और फिर आपको माइनस वन पुट करना है, दोनों चेक करने हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे पी वन निकाल लेते हैं पहले, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, पी वन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी वन माइनस वन यानी कि जीरो। पी वन आपका तो जीरो आ चुका है, लेकिन इसी प्रकार हम पी माइनस वन और निकाल के देखते हैं इसी के अंदर। तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन, तो बात आपकी वही है, तो माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन, तो पी माइनस वन भी आपके पास क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। तो हम कह देंगे यस एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वन रखो और चाहे माइनस वन रखो, ये इस पॉलीनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसको आप खुद करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले माइनस वन पुट करनी है, यानी कि यह नहीं है कि माइनस वन इसमें पुट करनी है और टू इसमें पुट करनी है, ऐसा नहीं है, आपको माइनस वन पहले दोनों में पुट करनी पड़ेगी। क्या फिर जीरो आता है, तो ये माइनस वन चेक कर जाएगा, और अगर फिर दो पुट करके देखेंगे तो दो इसमें भी पुट करें और इसमें भी पुट करें, फिर ये जीरो बनता है, तो ये इसका पॉलीनोमियल हो जाएगा। हम आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ये भी आप कर लेंगे। ये देखिएगा आपके पास एफ का जो पॉइंट है वो देखिएगा, एफ का जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है आपको पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और इसमें आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल दे रखी है, तो ये लिख ले आप पी माइनस एम अपॉन में एल इज इक्वल टू एल इन टू एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब लिख लेंगे माइनस एम अपॉन एल और प्लस में एम, एल से आप एल काट देंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस एम अपॉन में एल इज इक्वल टू, देखिए माइनस एम प्लस एम, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास जीरो ही आएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, मतलब कैसे ना कैसे करके आपकी जो पी एक्स है वो जीरो आनी चाहिए। देखिए हम जी पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे वाला आप अपने आप कर लेंगे। जी का जो पॉइंट है पहले बच्चों वो देखिएगा, जैसे आपको दे रखा है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये आपका पी एक्स है, तो पहले एक्स की वैल्यू आप माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट कीजिएगा। देखिए जो वैल्यू है यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट कर लेंगे, तो पी इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर है यानी कि थ्री इंटू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस वन अपॉन रूट थ्री और इसका होल स्क्वायर माइनस वन, तो पी इंटू माइनस वन अपॉन में रूट थ्री इज इक्वल टू, बच्चे ध्यान से देखें थ्री, ये जो स्क्वायर है वो माइनस वन का भी है और रूट थ्री का भी है, तो टू जो वन का स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब वन हो जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर होता है रूट नाइन, और रूट नाइन की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो थ्री आएगी, और माइनस वन है थ्री से आप थ्री कैंसिल आउट करेंगे, तो पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इसका पॉलीनोमियल है, तो क्या टू अपॉन रूट थ्री भी है, ये भी चेक करते हैं। देखिए अब यहीं पे आप वही बात लिख देंगे पी एक्स है तो यहाँ पे आप लिख देंगे पी इंटू टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर है ना, तो यही लिख लो थ्री इंटू टू अपॉन में रूट थ्री और इसका स्क्वायर माइनस वन, तो पी टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू देखिए थ्री टू का स्क्वायर फोर अपॉन में थ्री, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर भी है और ये टू का स्क्वायर भी है, और ये थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा माइनस वन, तो पी इंटू टू अपॉन रूट थ्री की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी फोर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इस तरीके से हम चेक आउट कर लेंगे, तो ये क्या कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब आपके सामने जो पॉलीनोमियल दे रखे हैं ना इसकी आपने जीरोज निकालना है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको जो जीरो है वो चेक करना था कि वो उसका जीरोज है या नहीं है। तो बच्चे ध्यान रखना है कि जो भी पॉलीनोमियल्स है अगर हमें उसका जीरो निकालना होता है तो क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली बात कि आपको कोई भी आपके पास में पी एक्स दे रखा है, अब जैसे पी एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स प्लस फाइव, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि ये हमारे पास में
एक पॉलिनोमियल है और इसका हमें जीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हमें पॉलिनोमियल्स का अगर जीरो फाइंड आउट करना हो तो जो पी एक्स होता है वो हमारा जीरो के इक्वल होता है, यानी कि पी एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, जीरो के वैल्यू होती है जब हमें पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड आउट करना हो। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपके पास में जीरो है, तो हम इसमें करेंगे एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी जगह हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फाइव इधर जाके माइनस वन, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, जो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। अब जब इसको इसके अंदर पुट करोगे तो इसकी वैल्यू अपने आप जीरो बन जाएगी। देखिए माइनस फाइव है, जब यहाँ पे माइनस फाइव करेंगे प्लस फाइव करेंगे तो ये अपने आप जीरो बन जाएगी, तो जो मैंने यहाँ पे बता रखी थी आपको। तो मतलब जीरो फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो देखिए बीप जो पॉइंट है उसके अंदर भी आपसे पूछ रहा है इसी प्रकार, तो आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स जो है वो आपके पास दे रखा है एक्स माइनस फाइव, तो हम कह देंगे कि x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू फाइव, जो आपका जीरो आ जाएगा कितना आ जाएगा, फाइव। ऐसे ही टू एक्स प्लस फाइव है, यानी कि यह आपको पी एक्स दे रखा है, सी पॉइंट है, आपको पी एक्स दे रखा है टू एक्स प्लस फाइव। तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फाइव उधर जाएगा तो माइनस फाइव, और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस फाइव अपॉन टू, यानी कि x की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसी प्रकार इसका भी फाइंड आउट कर लेंगे आप। और अगला जो पॉइंट है वो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स आपका, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू जीरो बाई थ्री, तो जीरो बाई थ्री का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। इसमें देखिएगा आप f का जो पॉइंट है उसको देखने की कोशिश करें अच्छे से, आपको दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और बच्चे यहाँ पर आपने बता रखा है कि a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि हमने पी एक्स होनी मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है एक ही जो वैल्यू है, तो हमें ये वाला जो है हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू जो है जीरो अपॉन में ए, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जीरो। यहाँ पे ये बात समझना कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे ए जो है वह जीरो नहीं है, ये पूछ रहा आपसे, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपसे आ जाएगी जीरो, तो इसका जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है, इसको देखिए पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और यही आपसे पूछ रहा है कि सी जो जीरो नहीं है, और सी और डी दोनों के दोनों रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे ना, तो ये लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और सी एक्स इज इक्वल टू डी उधर जाएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस डी, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन में सी, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस डी अपॉन सी आ जाएगी, यानी कि इसका जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। तो मैं थोड़ी सी आपसे एक आशा करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथी भी हमारे इस वीडियो तक पहुँच पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि आपके साथी भी हमारे साथ जुड़